व्हाट्सअप एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल खतरनाक क्रिएशन। एंड गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप रिपब्लिक डे स्पेशल एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो ये जो फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने काफ़ी टाइम पहले इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था। एंड जिस टाइम मैंने इसको अपलोड किया था, बहुत सारी डिमांड थी कि इसका मुझे ट्यूटोरियल चाहिए। तो उस टाइम तो गाइस इंडिपेंडेंस डे निकल चुका था, तो कोई मतलब ही नहीं था ट्यूटोरियल बनाने का। तो मैंने दो दिन पहले अब इसको डाल रहा हूँ ट्यूटोरियल, जिससे आप इजीली उस फोटो का एडिट कर लो एंड रिपब्लिक डे पे उसको अपलोड कर दो। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक आप वीडियो बना रहेगा। एंड गाइस आज ये फोटो मैं आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में करके दिखाने वाला हूँ, एंड आपकी फोटो की क्वालिटी लो नहीं होगी। कैसे करता हूँ वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, इस टाइप का पोज देते हुए फोटो को क्लिक कराना है, ठीक है। एंड हाथ में आप कोई भी डंडा पकड़ सकते हैं। एंड इसमें जो मैंने फ्लैग यूज़ किया है वो रियल है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो मैं इसकी PNG की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको ध्यान रखें, ब्लैक स्क्रीन पर आपको ऐसे क्लिक कराना है, देख सकते हो ब्लैक कलर का कपड़ा पड़ा हुआ है, इस पर आपको खड़े होकर क्लिक कराना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में तो आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, PNG की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके साथ साथ बैकग्राउंड भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐड फोटो पर जाना है एंड अपने फोटो का कटआउट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। तो आपको फोटो एडिटिंग करने से पहले क्या काम करना है, यहाँ से आपको टूल्स वाला ऑप्शन पर जाना है, रिसाइज वाला ऑप्शन पर जाना है, एंड इसका साइज आपको रखना है 5000, ठीक है। अब इसका साइज ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे 3098, तो आपको ये डाल देना। इससे होगा क्या, हमारा फोटो की क्वालिटी लो नहीं होगी अगर हम फोटो एडिट करेंगे, ठीक है। अब आपको जाना है ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद आपको जो कटआउट किया है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो, मेरा हाथ में फ्लैग पूरा नहीं है, तो मैं इसको भी ऐड करके दिखाऊंगा। तो आपको सिंपली इसको अपने बैकग्राउंड पर एडजस्ट कर देना है, जहाँ भी आपका परफेक्ट बैठ रहा है। तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आपका फ़ोटो ब्लैक या वाइट लगता है ज़्यादा, तो अब यहाँ पे जाके एडजस्ट पे जाके इसके ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं प्लस ही रखूँगा क्योंकि मैं थोड़ा काला रख रहा था। तो अब आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप देखोगे फोटो को, आपकी फ़ोटो की क्वालिटी लो नहीं हुई। अगर आप उसका यूज़ नहीं करते तो फोटो की क्वालिटी लो हो जाती है। अब आपको ऐड फोटो पे जाना है, फ्लैग की PNG को सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस अगर आप कोई भी हाथ में डंडा वगैरह पकड़ोगे तो बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा, देख सकते हो। मैं डंडे के ऊपर ही इसको एडजस्ट करके दिखाऊंगा आपको। तो देख सकते हो इसको मैंने डंडे के ऊपर एडजस्ट कर लिया, बट ये इतना रियल नहीं लग रहा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा। एंड आपको इरेजर टूल सेलेक्ट करके इसको इरेज कर देना है, जिससे डंडे पर ये परफेक्टली हो जाए। तो डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे फोटो में कलर इतना अच्छे नहीं है, तो कलर हम लाइटरूम के बिना ही इसको डाल के दिखाएंगे। तो आपको सिंपल टूल वाला ऑप्शन पे जाना है एंड आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन। एंड गाइस ध्यान रहे, आप ब्लैक शर्ट एंड वाइट पैंट ही आप वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट ही पहनना, मैंने गलत बोल दिया आपसे, क्योंकि ये फोटो पर बहुत अच्छा मैच होगा। अब आपको सबसे पहले तो इसके ब्राइटनेस को बढ़ाना है। अगर आप काले दिखते हो तो आपको ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। उसके बाद कंट्रास्ट को आपको कभी भी नहीं बढ़ाना है। अगर आप फोटो एडिट करते हो, कंट्रास्ट को हमेशा कम ही करना है, जिससे हमारा फोटो में थोड़ा फेड आएगा, तभी हमारा फोटो बहुत अच्छा लगता है। अब आपको यहाँ से क्लियरिटी का है, इसको आप बढ़ा सकते हो, इससे हमारा फोटो को थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। उसके बाद आपको सेचुरेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको बढ़ा देना है। इसको बढ़ाने के बाद अब आपको ह्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको कुछ नहीं करना। शेडो पर आना है, शेडो को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद हाईलाइट का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको थोड़ा सा कम करना है। टेम्परेचर का ऑप्शन मिलेगा, इसको भी आपको कम करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कलर ग्रेड जो है हमने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ही कर लिया। अब आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो गाइस बहुत मतलब हमने रिपब्लिक डे स्पेशल एडिटिंग कर ली कंप्लीट एंड पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ही कर लिया। होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड गाइस शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।